नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। इस समय किसान भाइयों मौजूद हैं छिबरा मऊ मंडी में। जिस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं, आज छिबरा मऊ मंडी में चहल पहल कुछ ज़्यादा दिख रही है और आज हमें लगता है कि आलू की जो आमदनी है मंडी में वो कल से कुछ आज ज़्यादा बेहतर है। देख भी सकते हैं चारों तरफ जो है आलू ही आलू है और गाड़ियाँ अभी भी आ रही हैं बराबर मात्रा में। और फिलहाल की अगर बात करें तो गाड़ी आज अगर देखें तो मंडी में करीबन 50 मोटर की आमदनी लगभग में है। और देखिए आलू की बिक्री शायद भैया के यहाँ चल भी रही है, तो भैया से जानकारी लेते हैं कि देखिए आलू जो है हमें लगता है ज़्यादातर चेचक वाला बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है एक आध दिन से। तो ये आलू है, इसका भैया ने क्या रेट रखा, भैया जानकारी लेते हैं। भैया क्या रेट रखा? 335। तो व्यापारी साहब क्या बता दिए? 250 तो रेट नहीं चल रहा है, का चेचक है, चेचक चेचक ही वालों बताए रहे इतनी ज़्यादा चेचक हो ना चल जाए, मतलब है चेचक मानते हैं लेकिन चेचकों वाले रेट कलर खाया है व्यापारी साहब। चेचक वाला रेट जो है ये नहीं है जो आप बताए हो, 300 के आसपास तो चल ही रहा है, 300 के आसपास तो चल ही रहा है। तो भैया कहाँ है कुछ गुंजाइश? अबे गुंजाइश है नहीं, ये लेंगे दूसरा कोई लेगा। अच्छा ये नहीं लेंगे तो दूसरा कोई लेगा। तो भैया और कुछ बेचे हैं? देखिए चलिए दूसरा पैकेट आया फिलहाल, दूसरा वाला क्या रेट बेचिए भैया? 355 रुपये बिका था। 355, वो बढ़िया आलू होगा? ठीक था, मीडियम था। अच्छा पका आलू सफ़ेद आलू आएगा तो 400 रुपये, ये बात। तो देखिए किसान भाइयों ये आलू है आपके सामने, दूसरा पैकेट कटा है किसान भाइयों। छिबरा मऊ मंडी से आप अपडेट देख रहे हैं लगातार। और देखिए ये आलू आपके सामने है, देखिए चेचक आपके सामने है किसान भाइयों। जो भी है इधर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किसान भाइयों ये आलू आपके सामने, आलू साइजिंग बढ़िया आ रही है लेकिन चेचक चेचक ज़्यादा आ रहा है इस समय अगर बात करें तो। किसान भाइयों आलू साइज देखिए बढ़िया, अगर ये आलू जो है अगर चेचक विदाउट चेचक होता तो काफ़ी अच्छे रेट इसके मिलते। तो वही है ज़्यादा से ज़्यादा चेचक वाला आलू आ रहा है तो उसी रेट में कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। अब भैया बताओ यार ले लो, अब कौन सा रेट आपको लग रहा है? एक रेट आप सही वाले बताओ, ये तो सही वाले हैं ही नहीं जो आप बताए। बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाइयों देख सकते हैं आपके सामने है जो भी है, 3-4 किलो तो फुल चेचक वाला आई। लास्ट का बताई दे, आप बताओ पहले बाप कितने बढ़ाई दे? 60 गद्दे 60 नहीं बाबू, बढ़ाई लो थोड़े बढ़ाई लो। तो किसान भाइयों 70 रुपए तक बता दिए हैं भाई साहब ने, अगर बात करें व्यापारी महोदय ने। तो भैया क्या उम्मीद है कितने रुपए लोगों को बिक जी? 310-311 निकल जाना चाहिए, 300 को बिक जाए तो बढ़िया है क्योंकि चेचक ज्यादा मात्रा में है ना। तो किसान भाइयों वही है देखिए, चेचक ज्यादा मात्रा में है भैया। अच्छा भैया आज लाल कुछ बेचे आप? लाल 450। अच्छा यही रेट चल रहा है। अच्छा मंडी की आमदनी की बात करें किसान कितनी होगी? हल्की है, हल्की है, करीब 50 मोटर नहीं होगी? 50 नहीं होगी, 20-25 ऐसी होगी। अच्छा अपने यहाँ भैया सबसे स्पीड में आलू जब आता है तो वो कौन सा टाइम आने वाला है, मतलब कब से आएगा वो? बढ़िया 10-15 दिन फरवरी मान ले होगी, मतलब जो है 20 फरवरी के बाद बरसात होगी इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेट हो गया, ये बात है। अच्छा मंडी में अगर देखें तो गड्ढ वाला आलू बहुत आ रहा है इस समय अगर बात। अच्छा आलू का खेत में बिक रहा है क्या? बढ़िया खेत में बिक रहा है, खेत में बिक रहा है। तो भैया किसका आलू है, किसान भाई कौन है ये? अच्छा दादा गए, दादा कौन गाँव से आए हैं? कहाँ से? तेज नगरा से। तो दादा ये बताएं हमें कि ये कई बीघा आलू कितना निकला है? पैंतीस कट्टा प्रति बीघा के हिसाब से निकलो है। तो खुदाई अपने दादा कैसी का चल रही है? बढ़िया चल रही है। अच्छा चेचक चेचक ज्यादा हीरो है लगभग अपने क्षेत्र का सबसे ज्यादा चेचक हीरो है? घोरो ज्यादा डाल दो, ये घोरे कमी है कि ज्यादा डाल दो? ज्यादा नहीं, घोरो ज्यादा डाल दो ताकि बारे, ये बात है। तो आपका भैया सहपाठी है इनके? हाँ भैया संगे संगे आए हो? अच्छा ये बात है। तो दादा कई बीघा आते हो जो आलू? 3.5 बीघा आते हो, तो चेचक वजह से दादा आपको रेट थोड़ा डाउन ही रो है ना, तो रेट तो मिल ही जाते अच्छे खासे। तो अपने यहाँ खेतन बिक्री हुई जाते हैं मैं लगता हूँ बढ़िया आलू। आप कोई रेट लगा था ये खेत में? कोई व्यापारी नहीं आया, ये बात है। तो दादा इस बार विचार कहा है, कोल्ड स्टोर में आलू किसान डालेगा ज़्यादातर की मंडी में बेचेगा? अब तो बेच रहा है, बेच कितना रेट मिलता रहे बेच देगा? 350 तक अगर मिलता रहेगा तो बेचता रहेगा, 2023 जैसे जो है इंतजार नहीं करेगा कि आलू फेंका जाए कोल्ड में, ये बात है। तो किसान भाइयों अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आलू किसानों का अगर देखा जाए तो मूड यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचने का काम करेंगे ये।
और ये हकीकत भी है, अगर 450 रुपए रेट अगर मिलता रहे तो ये भैया 600 करीब पड़ेगा जाके कोल्ड वाला। और उम्मीद भी है कि निकालते रहेंगे मैं लगता है किसान, है ना? व्यापारी लोग ज्यादा रखने के विचार कर रहे हैं। हाँ व्यापारी लोग। अच्छा एक एक भैया प्लस पॉइंट है कि किसानों का आंकड़ा बन रहा है कि भैया 2020 जैसे कहीं आलू महंगा ना हो जाए, क्योंकि कोल्ड स्टोर ज्यादा बन रहा है, आलू की शॉर्टेज भी हो सकती है, तो अगर स्टार्टिंग प्राइस देखें तो क्या रेट खुलेगा कोल्ड स्टोर? कोल्ड स्टोर अभी तो कुछ नहीं, इतना मालूम क्या हो आगे। ये है कि अच्छा खासा रेट जो है किसानों को मिल सकता है मैं लगता है 2024 में, है ना? तो चलिए किसान भाइयों बात करें तो छिबरामो मंडी का ये अपडेट था। बात करें अगर आलू का तो आलू का भाव आज 300 से लेके और 400 रुपए तक अगर बात करें सफ़ेद आलू है, और लाल आलू की वहीं किसान भाइयों बात करें अगर तो लाल आलू भी 400 से लेके 450 और 460 रुपए तक ठटिया ये छिबरामो मंडी में देखा गया है। और आज का जो आपको भाव जो बताया है छिबरामो मंडी से था, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट से। और वीडियो कैसा आपको लगा हमें कमेंट करके बताएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि जो किसानों तक जानकारी है वो सही से पहुंच सके। दोस्तों धन्यवाद।